शेयर मार्केट का नाम सुनकर ही कई लोग डर जाते हैं और यही कारण है कि इंडिया में मात्र 3 से 4% लोग ही शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो क्या कारण है कि लोग शेयर मार्केट में पैसा ही नहीं बना पाते, जानेंगे इस वीडियो में 7 गोल्डन रूल्स। और इन रूल्स को फॉलो करके आप भी बड़ी आसानी से पैसे को डबल्स में कन्वर्ट कर सकेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार सीजी। अगर अभी तक हमारे चैनल रोजगार सीजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और बिजनेस रिलेटेड जानकारी आप तक पहुंचती रहे। रूल नंबर फर्स्ट, अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या पहले से इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए ये जरूरी है कि आप जब भी स्टॉक मार्केट में पैसे लगाएं तो आप उन्हीं पैसे को इन्वेस्ट करें जो आपके पास एक्स्ट्रा में बचे हों, यानी जितने भी जरूरी खर्च होने के बाद जो भी पैसे बच जाते हैं केवल उन्हीं पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए। या लोग अक्सर ये भी गलती करते हैं कि या तो इन्वेस्ट करते हैं तो एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट कर देते हैं, यानी कि एज एग्जांपल अगर आप FMCG सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कुछ शेयर IT सेक्टर में इन्वेस्ट करें, कुछ शेयर मेडिकल सेक्टर में इन्वेस्ट करें। अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि अपने पास जितने भी पैसे रहते हैं सारे पैसे इन्वेस्ट करके फंस जाते हैं और उन्हें लॉस देखकर या तो वो डिप्रेस हो जाते हैं या स्टॉक मार्केट को ही छोड़ देते हैं। तो ऐसा गलती आप कभी मत करना। रूल नंबर सेकेंड, अपने आसपास के लोगों की टिप्स लेने से बचें। अक्सर लोग ये भी गलती करते हैं कि हमारे आसपास के लोगों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। अगर सुनने में आ गया कि ये शेयर अभी लोग खरीद रहे हैं तो सभी लोग उस शेयर के पीछे पड़ जाते हैं, या फिर ये न्यूज चैनल पर भी फॉलो होता है। आपको ये नहीं देखना है बार बार न्यूज चैनल लगा कि वहाँ कौन से शेयर्स को सजेस्ट किया जा रहा है खरीदने या बेचने के लिए। जहाँ तक दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट भी कहते हैं, अगर दूसरे लोग लालची हो जाएं किसी भी शेयर को खरीदने के लिए तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। वहीं जब दूसरे लोग डर रहे हैं किसी शेयर को खरीदने के लिए तब आपको लालची बन जाना चाहिए। रूल नंबर थर्ड, शेयर मार्केट में जल्दबाजी ना करें। पता है, एक तो हमारे इंडिया में लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से डरते हैं और अगर इंटर कर भी गए तो इन्वेस्टमेंट को लॉस में कन्वर्ट कर डालते हैं। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि इंडिया में मात्र 3 से 4% लोग ही इन्वेस्ट करते हैं और इन 3 से 4% लोगों में से ही आधे से ज्यादा लोग यही गलती करते हैं। एक तो बिना सोचे समझे किसी शेयर में इन्वेस्ट करेंगे और जल्दबाजी की वजह से या तो वो लॉस कर डालते हैं या तो उसे प्रॉफिट में कन्वर्ट ही नहीं कर पाते। जैसे कि किसी भी शेयर्स के दाम बढ़ रहे होते हैं तो लोगों के मन में आता है कि यार सब खरीद रहे हैं तो क्यों ना मैं भी उस शेयर्स को खरीद लूं, बट उसे पता नहीं होता है कि अब बहुत लेट हो चुका होता है, तो फिर क्या अपने पैसे को लॉस कर डालते हैं। रूल नंबर फोर, डिसिप्लिन। आप सोच रहे होंगे कि डिसिप्लिन का शेयर मार्केट में क्या रोल है, तो भाई इसका ना बहुत बड़ा रोल है। डिसिप्लिन ये होना चाहिए कि जब भी आप किसी शेयर्स को बाई करें तो आपको किसी छोटे मोटे मार्केट के उतार चढ़ाव से नहीं डरना चाहिए। आप एक फिक्स टारगेट बनाएं कि हाँ मैं इतने परसेंट तक लॉस सहन कर सकता हूँ और मुझे इतने परसेंट प्रॉफिट लेना है। आप जब तक डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे कभी भी आप शेयर मार्केट से पैसे नहीं बना सकेंगे। कि एक इन्वेस्टर होने के नाते आपको सिस्टमेटिक अप्रोच होना बहुत जरूरी है। रूल नंबर फाइव, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि इमोशंस को कंट्रोल ही नहीं कर पाते और इसके वजह से रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं। जब भी मार्केट में तेजी होती है तो लोग मार्केट को देखकर बढ़े हुए शेयर्स को खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपनी इमोशंस में आकर शेयर्स खरीद लिए, बट उसे पता नहीं होता है कि ऑलरेडी जो शेयर्स बढ़ चुके हैं वैसे मार्केट इंटर करना एक बहुत बड़ा गलत फैसला भी हो सकता है। इसलिए मेरे दोस्त, इमोशंस पर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है अगर राइट डिसीजन लेना है तो। रूल नंबर सिक्स, एक टारगेट फिक्स करें। फ्रेंड्स, इन्वेस्टर क्या करते हैं कि जब भी अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या फिर किसी कंपनी के शेयर्स बाई करते हैं, उनके मन में यही विश्वास रहता है कि उन्होंने जिसमें इन्वेस्ट किया है वह अच्छा खासा रिटर्न ही देगा, बट ये रियल नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि शेयर मार्केट में कोई भी नहीं जानता कि रिटर्न कितना आएगा, या तो उसे लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। तो आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि आपको एक फाइनेंशियल गोल बनाना है और टारगेट फिक्स करना है और उसे अचीव करते ही आप शेयर्स को बाय या सेल कर दें। जब तक आप एक टारगेट नहीं बनाएंगे तो आपका प्रॉफिट भी लॉस में कन्वर्ट हो सकता है। रूल नंबर सेवन, फंडामेंटल स्टडी। शेयर मार्केट में मेनली दो प्रकार के ट्रेडर आपको मेनली देखने को मिलेंगे। एक वो जो बिगिनर्स है, जो अभी अभी शेयर मार्केट में इंटर किया है और पैसे बनाना चाहता है। दूसरा वो व्यक्ति जो फंडामेंटल पर फोकस करता है,
कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, उस कंपनी का हिस्ट्री कैसा है और उस कंपनी के फ्यूचर प्लानिंग क्या है, और कंपनी के सारे फंडामेंटल स्टडी करता है, चाहे वो ग्राफ हो या तो चार्ज शीट फाइल हो। आपको कंटिन्यू लर्निंग पर फोकस करनी चाहिए और वही व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट या रिटर्न ले पाता है जो इन सभी को स्टडी करता है। और अगर जिस भी फ्रेंड्स को नहीं पता कि कैसे किया जाता है फंडामेंटल स्टडी, तो आपको इसी चैनल पर सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी 7 गोल्डन रूल्स शेयर मार्केट में पैसे कमाने की। आपको यह वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दें, ताकि स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और बिजनेस रिलेटेड जानकारी आपको मिलती रहे। यह वीडियो पूरी देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।